अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग द क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक, काउंट डाउन बुक टू, टेक आउट पेज नंबर 123। लेट्स रिवाइज दिस पेज टुडे स्टूडेंट्स। वी विल डू दिस वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन द नोटबुक। दीज आर ए बी सी डी ई एंड एफ पार्ट। दीज वर्ड प्रॉब्लम्स आर अबाउट एडिशन। ठीक है, एडिशन में क्या क्या, किस चीज़ का वेट कैसे ऐड होता है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस पेजेस। आपने ऐड करके देखा है पिछले काम में भी, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी करके देखा है और सब्ट्रैक्ट भी। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वर्क ऑन द नोटबुक। टेक आउट द नोटबुक, राइट ऑन डेट 28/1/2021 रिविजन एंड थर्सडे, यूनिट नंबर 8, राइट, मेजरमेंट। पेज नंबर इज 123। क्वेश्चन नंबर 1, Now add to solve these. Now add to solve these. Question number 1 ka part A. Let's start this part A. Very easy. Tanveer buys 500 gram of peanuts. Tanveer peanuts usne khareedi, moongphaliyan 500 gram, 100 gram of coffee aur coffee 100 gram khareedi and 50 gram of cashew nuts. Cashew nuts kaun se hote hain? Kaju ko bolte hain, theek hai? Kaju hota hai jaise इस तरह की शेप में होता है, ठीक है, इसकी शेप देख लें, इस तरह का काजू होता है, ऑफ वाइट से कलर का, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल वेट? अब तीनों को प्लस कर लेंगे, 500 ग्राम प्लस 100 ग्राम एंड प्लस 50 ग्राम। सो द टोटल वेट ऑफ पीनट्स, कॉफ़ी एंड कैशू नट्स आर 650 ग्राम्स। कम टू द नेक्स्ट पार्ट बी। अ किटन वेज 490 ग्राम, अनदर किटन वेज 385 ग्राम। ठीक है, यहाँ टी नहीं आता, यहाँ ऐसा आएगा, मिस्टेक से लिख दिया। व्हाट इज देयर वेट टेकन ऑल टुगेदर? तो दोनों का वेट कितना हुआ? दोनों फर्स्ट और सेकंड किटन का वेट ऐड कर लेंगे। फर्स्ट किटन 490 ग्राम, 385 ग्राम, सेकंड किटन, ऐड अप प्लीज बोथ ग्राम्स। नीचे लिख दिया 5+0=5, 8+8+9+8=17, 7 1 कैरी, 4+1=5, 6+7=8, 875 ग्राम। टोटल वेट ऑफ बॉथ किटन्स इज इक्वल टू 875। कि दोनों जो बिल्ली के बच्चे हैं उनका वेट कितना हो गया? 875 ग्राम। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। रेहान बायस 250 ग्राम ऑफ बिस्किट्स ऑन सैटरडे। सैटरडे को रेहान ने 250 ग्राम बिस्किट्स खरीदे एंड 400 ग्राम ऑन संडे, और 400 ग्राम खरीदे संडे को, ठीक है, दो दिन खरीदे। व्हाट इज टोटल वेट ऑफ बिस्किट्स ही बायस? तो टोटल जो उसने बिस्किट्स खरीदे उनका क्या वेट है? 250 ग्राम बिस्किट्स बॉट ऑन सैटरडे, 400 ग्राम बिस्किट्स बॉट ऑन संडे, ठीक है। साथ मैंने इसलिए लिखा था कि आपको पता चले ये कौन सी वैल्यूज है। अब व्हाट इज़ वेट ऑफ टोटल बिस्किट्स? आपने दोनों को ऐड किया, 0+0=0 ग्राम्स एज इट इज़, नीचे आई यूनिट लिख दी ग्राम, 5+0=5, 4+2=6, 650 ग्राम इज़ द टोटल वेस्ट वेट ऑफ द बिस्किट्स ही बॉट, ठीक है। रिहान ने जो खरीदे उनका टोटल वेट है 650 ग्राम। डी पार्ट। अ शॉपकीपर सेल्स 49 ग्राम ऑफ केजी ऑफ एप्पल्स इन वन वीक। 49 केजी एप्पल्स एक हफ्ते में खरीदे और 58 केजी इन द नेक्स्ट, ठीक है, और अगले हफ्ते में 58 केजी खरीदे। हाउ मेनी केजी डज ही सेल ऑल टुगेदर? ठीक है, तो कितने उसने बेच दिए एप्पल्स इकट्ठे मिला के दोनों हफ्तों में? ठीक है, उसने बेचे पहले हफ्ते में 49 केजी और दूसरे हफ्ते में 58 केजी। लेट्स फाइंड द टोटल एप्पल्स सोल्ड, देयर वेट, व्हाट विल बी द टोटल वेट? Now you will add 49 kg apple sold in first week, 58 kg apple sold in second week. Add up these two, kg comes down, this is the unit, 8 + 17 करें तो 17 बनता है, 7 नीचे लिखा, 1 carry, 5+4=9, 9 में 1 डाला 10, 107 kg. Weight of total apples sold equals to 107 gram kg. ठीक है, ये total weight हो गया। Now E part. अली वेज 26 केजी, साबिर वेज 4 केजी लेस देन अली। अली का वेट इतना है, साबिर का इसके 4 केजी इससे कम है, ठीक है। हाउ मच डिड टू चिल्ड्रन वेट ऑल टुगेदर? अली का वेट हमें गिवन है, ठीक है, 26 केजी। अब साबिर का 4 केजी कम था तो 26 में से 4 केजी निकाल दिया तो 22 केजी बचा, तो ये साबिर का वेट आ गया। दिस इज़ अलीज़ वेट, दिस इज़ साबिर्स वेट, राइट। दोनों के वेट को फिर प्लस कर लेंगे क्योंकि टोटल वेट फाइंड करना है। के जी कम्स डाउन एज अ यूनिट, ठीक है, 6+2=8, 2+2+4 किया तो 4,
टू प्लस टू फोर, 48 kg इज़ द टोटल वेट ऑफ बोथ चिल्ड्रन, दोनों का चिल्ड्रन का वेट कितना था 48 kg। रोहेल सेल्स 300 ग्राम ऑफ कैश्यू नट्स, काजू नट्स जो है और रोहेल ने 300 ग्राम बेचे। एंड गोहर सेल्स 150 ग्राम मोर देन रोहेल, गोहर ने इतने उससे ज़्यादा बेचे, तो ये उसमें ऐड हो जाएंगे। फिर गोहर की आप लोग फाइंड कर लेंगे। व्हाट इज़ द टोटल वेट सोल्ड, तो टोटल कितने बेचे गए, जो उनका वजन था कितनी चीज मिकदार में बेची गई। नट्स सोल्ड बाय रोहेल 300 ग्राम, ये रोहेल के नट्स जो बेचे गए, जो रोहेल ने बेचे वो हैं। अब गोहर के हमारे पास नहीं है, तो 300 ग्राम में 150 प्लस करेंगे तो 450 ग्राम गोहर के जो नट्स बिके, जो बिक गए वो आ गए, ये गोहर ने बेचे। ठीक है, टोटल वेट अब फाइन कर दोनों बच्चों ने जो बेचे हैं। ठीक है, 450 ग्राम प्लस 300 ग्राम, ग्राम ग्राम नीचे हो गया, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 3 7। टोटल नट्स सोल्ड बाय बोथ बॉयज इक्वल टू 750 ग्राम, कि दोनों ने कितने वज़न के नट्स को बेचा, 750 ग्राम्स नट्स उन्होंने, उनका वज़न था जो उन्होंने बेचे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स। अगर इसमें कोई मुश्किल पेश आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पेज 124 इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।